दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा इस वीडियो का ये टॉपिक है कि न्यू यूट्यूबर क्या क्या गलतियाँ करते हैं जब इधर उधर से देख के चैनल बना लेते हैं, या उनको शौक आ जाता है या पैसे की खातर चैनल बना लेते हैं कि हम भी यूट्यूब पे कामयाब होकर काम करके और कुछ ना कुछ पैसे कमा लें या फेम कमा लें, तो उनका चैनल क्यों नहीं कामयाब होता। ज़्यादातर लोगों का कामयाब चैनल नहीं होता, क्यों नहीं कामयाब होता, मैं आज इसकी आपको वजह बताता हूँ। दरअसल बात ये है कि न्यू यूट्यूबर जब भी चैनल बनाते हैं तो वो यूट्यूब पे आते हैं तो उनकी दो ही कोशिश होती है कि एक हमारा ना 1000 सब्सक्राइबर कब पूरा हो और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो कब पूरा हो। वो पूरा कर लिया तो बस काम ख़त्म। नहीं, ऐसे काम नहीं ख़त्म होता। आपने ना 1000 सब्सक्राइबर को देखना है और ना ही 4000 घंटे को देखना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, भाई तू मेरा चैनल सब्सक्राइब कर मैं तेरा करता हूँ, तू मेरा बेड़ा गर्क कर मैं तेरा करता हूँ। उसका नुकसान क्या होता है, उधर वो भी यूट्यूबर होता है, आप भी, उसने आपका चैनल सब्सक्राइब किया, आपने उसका चैनल सब्सक्राइब कर दिया, आपने उसकी वीडियो नहीं देखनी, उसने आपकी वीडियो नहीं देखनी, तो यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि अगर आपके चैनल पे 0 सब्सक्राइबर हैं और आपके 2-3 व्यू आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब आपके चैनल पे सब्सक्राइबर होते हैं तो आप वीडियो अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद वो आपकी वीडियो आपके सब्सक्राइबरों ने देखनी तो होती नहीं है। तो जब आपके सब्सक्राइबर देखते हैं आपकी वीडियो तो फिर यूट्यूब आगे भेजता है आपकी वीडियो, लेकिन आपके सब्सक्राइबर तो आपकी वीडियो देखते नहीं हैं और यूट्यूब ने अपने आपकी वीडियो आगे कैसे भेजनी है, नहीं भेजता यूट्यूब। देखें मेरे भाई, ये काम आप ना करें, ना ही किसी एप्लीकेशन के ज़रिए अपने सब्सक्राइबर पूरे करें, ना ही किसी एप्लीकेशन के ज़रिए, ना ही किसी व्हाट्सएप के ग्रुप के ज़रिए और ना ही किसी और पेड सर्विस के ज़रिए आप अपना ये जो है ना क्राइटेरिया पूरा करें। दरअसल ये क्राइटेरिया पूरा करना आपकी कामयाबी नहीं है यूट्यूब पे। अगर आपने कामयाब होना है अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे, अगर आपने व्यूवरशिप लानी है तो ये चीज़ें आप ना करें। उसका मैं आपको नुकसान बताता हूँ। नुकसान उसका क्या है, देखें मेरे भाई, उसका नुकसान ये है कि जब आपकी वीडियो आपके सब्सक्राइबर ही नहीं देखेंगे तो आपकी वीडियो आगे नहीं जाएगी। तो यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, ज़रूर रखना पड़ेगा सब्र, फिर ही आप यूट्यूब पे कामयाब हो सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, वो चीज़ें आप ना करें तो आप कामयाब हो सकते हैं। जब आप नया नया चैनल बनाते हैं, वीडियो आपसे अच्छी नहीं बनती, आप अच्छा बोल नहीं सकते, आप क्या करते हैं, जी मैंने चैनल बनाया है, दोस्तों के साथ आप शेयर करते हैं, मैंने ये चैनल बनाया है, इधर लाओ मोबाइल भाई, इधर लाओ, ये अपना चैनल निकाला और ख़ुद ही सब्सक्राइब कर दिया। जब आप 5, 10, 20 लोगों से ये ऐसे अपना चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं, एक ही तो आपका चैनल डेड हो जाता है, उसके बाद उस पर व्यू इतने नहीं आते ख़ास। दूसरा उसका ये नुकसान होता है कि आपसे वीडियो तो अच्छी बनती नहीं है, लेकिन वो जो आपके दोस्त हैं वो आपको कहते हैं यार ये किस काम को लगे हुए तुम, ये तो बकवास है, सारा दिन मोबाइल पर लगा रहता है। तो कोई कहता है यार तेरी वीडियो नहीं चलनी, इस पर व्यू नहीं आने। तो बेहतर ये है कि अपना आप चैनल बनाएं, चैनल बनाने के बाद वो अपने पास ही रखें, किसी से सब्सक्राइब ना करवाएं और ना ही किसी को दिखाएं, चुप करके उस पर वीडियो अपलोड करते रहें। अगर किस्मत अच्छी हुई, आपका कंटेंट अच्छा हुआ, तो आपकी वीडियो ज़रूर वायरल हो जाएगी। आज तक के लिए इतना ही जी। तो दोस्तों, इस चैनल पे आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं यूट्यूब का मुकम्मल कोर्स आपको बना के दिखाऊंगा, चैनल कैसे बनाते हैं,
चैनल की सेटिंग कैसे करते हैं और चैनल आर्ट कैसे बनाते हैं, सारी जो भी डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। जीमेल कैसे बनाते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे लगाते हैं, वीडियो अपलोड कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, शुक्रिया।